अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शहजाद ईगल टीम डेवलपर आप सब दोस्तों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपने फॉरसेज का अकाउंट कैसे बनाना है। बहुत सारे लोगों को फॉरसेज पर अकाउंट नहीं बनाना आता, तो आज की इस वीडियो के बाद मेरे दोस्त आप अपना अकाउंट खुद बना सकते हैं। चलिए चलते मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर हो चुकी है। सबसे पहले आपने ट्रस्ट वॉलेट में आ जाना है। ट्रस्ट वॉलेट में आपको दो टोकन जो है वो इनेबल करने हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल BUSD टोकन चाहिए होगा। BUSD टोकन के साथ आपको BNB स्मार्ट चेन चाहिए होगा। बस BNB स्मार्ट चेन और BUSD टोकन का रिसीव एड्रेस एक ही होता है, दोनों का रिसीविंग एड्रेस सेम होता है। आपको अगर BNB स्मार्ट चेन सिर्फ शो हो रहा है तो आपने BUSD कैसे जो है वो इसको इनेबल करना है। राइट साइड के कॉर्नर पे बैटरी के निशान के नीचे एक ऑप्शन मौजूद है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहां पर आप लिखेंगे BUSD, ठीक है। अगर आपके नहीं शो हो रहा तो BUSD लिखना है। यहां पर ऑप्शन आएगा BUSD, काफी सारे BUSD आ जाएंगे। BUSD BEP20 वाला आपने सेलेक्ट करना है। BEP20 वाला इसको आपने इनेबल कर लेना है। ये डिसेबल है तो आपने इसको इनेबल कर लेना है। ओके, यहां से आपने वापस आना है। यहां से वापस आने के बाद इसके अंदर फर्स्ट स्टेप आपने डॉलर रखवाने मेरे दोस्त, कितने आपने अगर कम से कम आईडी एक्टिवेशन करनी है तो आपको $10 चाहिए होंगे BUSD के, और 0.006 चाहिए होंगे BNB स्मार्ट चेन के। चलिए ये दोनों चीजें आपने रखवा लेनी है अपने अपलाइन से, आपने जिस बंदे से जो डॉलर रखवाने हैं। डॉलर रखवाने के बाद आपने ब्राउजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे ब्राउजर का ऑप्शन है। ब्राउजर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर सर्च बार है। सर्च बार में आपने मेरे दोस्त उस बंदे का लिंक पेस्ट करना है कि आईडी के साथ आपने जुड़ना है, उस बंदे का आपने लिंक पेस्ट करना है। तो यहां पर मेरे दोस्त ये लिंक मैं पेस्ट करने जा रहा हूं। दो चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी, एक आपको लिंक रिक्वायर्ड होगा, उसका आपने आईडी नंबर लाजमी पूछना है मेरे दोस्त। इस लिंक को यहां पर पेस्ट करने के बाद आपने सर्च करवाना है, सर्च करवाना है, सर्चिंग हो रही है लाइव आपके सामने। ओके, यहां पर आप चेक कीजिएगा, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट ये ऑप्शन आएगा, आपको आपके नाम का ऑप्शन आएगा, मेन वॉलेट आएगा, यहां पे आपको मेन वॉलेट का ऑप्शन आएगा, या आपके नाम का आएगा जिस नाम से आपने वॉलेट बनाया होगा। इस पे आपने क्लिक करके यहां पे आपने BNB स्मार्ट चेन कर लेना। BNB ऑलरेडी मेरे पास सिलेक्टेड है। BNB स्मार्ट चेन नेटवर्क सिलेक्ट करने के बाद कनेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पे जिस बंदे की आईडी के साथ आपने जुड़ना है उसका ओवरव्यू आ जाएगा, यहां पे उसका आईडी नंबर शो हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बोला कि दो चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी, लिंक और आईडी नंबर। तो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट आपको उस बंदे का आईडी नंबर याद होना चाहिए, उससे पूछ लीजिएगा। ये नहीं कीजिएगा कि सिर्फ लिंक उसका ले लिया, और मेरे दोस्त लिंक की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, दोबारा बता रहा हूं, आईडी नंबर की सारी बात होती है। यहां पर आते हैं, रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस स्टेप पे आके आपने लाजमी रुकना है, हर कीमत पे रुकना है, और यहां पे चेक करना है कि मेरे दोस्त जिस बंदे के साथ मैं जुड़ने जा रहा हूं क्या यहां पर योर अपलाइन के इस लाइन के अंदर उसी बंदे का आईडी नंबर है। अगर उस बंदे का आईडी नंबर होगा तब आपने इसको जो है वो नीचे आना है, अगर उसका नहीं होगा तो आपने इसको काट के यहां से चेंज कर देना है। तो यहां पे आपने नीचे आना है, अप्रूव्ड BUSD का ऑप्शन है और रजिस्टर का ऑप्शन है। अप्रूव्ड BUSD पे आपने क्लिक कर देना है। अप्रूव्ड BUSD पे क्लिक करने के बाद अब कंफर्म का ऑप्शन मांगेगा, कंफर्म पे आपने क्लिक कर देना है। यहां पर आपने 10 सेकंड वेट करना है, 10 to 15 सेकंड ये आपको ट्रांजेक्शन वाइज एंड प्लीज वेट का ऑप्शन देगा। 10 to 15 सेकंड आपने वेट करना है। ओके, ये अप्रूव हो रहा है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पे मेरे दोस्त आईडी नंबर बार बार चेक कर लीजिएगा, क्या उसी बंदे का। मोस्टली लोगों की यहां पे आईडी नंबर 1 के साथ जाके आईडी लग जाती, तो भाई इस चीज का ख्याल रखना है, जिस बंदे की डाउन में जुड़े हैं उसकी आईडी नंबर यहां पे होना चाहिए, वो मस्ट है। ओके, यहां पर आपने रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और इसके बाद अप्रूव कर देना है। अप्रूव कर देना है, ये अभी अप्रूव हो रहा है। वेटिंग X3 X4, प्लीज वेट, ट्रांजैक्शन इज इन प्रोग्रेस, यू विल बी एबल टू लॉग इन टू योर पर्सनल फॉरसेज अकाउंट आफ्टर नेटवर्क कंफर्मेशन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन। ये एक्टिविटी हो चुकी है, एक्टिवेशन हो चुकी है, कंग्रेचुलेशन, यू हैव अ सक्सेसफुल रजिस्टर इन फॉरसेज। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो लॉग इन का ऑप्शन है, यहाँ पे XXX अभी एक्टिवेट नहीं करने की जरूरत, जस्ट आप आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं। लॉग इन टू योर अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। यहां पर मेरे दोस्त आपने लॉग इन पे क्लिक करना है, और लॉग इन पे क्लिक करने के बाद साइन मैसेज पे क्लिक करना है। साइन करने के बाद आईडी ओपन हो जाएगी। जो ही आईडी ओपन होगी तो आपने सबसे पहले राइट साइड के कॉर्नर पे 3 डॉट्स होंगे, इन पे क्लिक कर देना है। इन पे क्लिक करके आपने इसको ऐड टू बुकमार्क कर देना। मेरे ऑलरेडी है तो रिमूव टू बुकमार्क का ऑप्शन आ रहा है, आपने ऐड टू बुकमार्क कर देना है। कंग्रेचुलेशंस, आपकी आईडी बन चुकी है। दोबारा आईडी खोलनी है, फुल वापस आना है। यहां पर आएंगे मेरे दोस्तों, यहां पर जब आप ऐड टू बुकमार्क करेंगे तो ऊपर डैशबोर्ड का ऑप्शन होगा, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपकी आईडी आपके सामने ओपन हो जाएगी। जी तो मेरे दोस्त इतना ही काम है जिसको परफॉर्म करने से काफी लोग कतराते हैं। अगला स्टेप इस पे आपने सबसे ऊपर आना है, यहां पर आपका आईडी नंबर शो कर रहा होगा। आईडी नंबर के आगे मेरे दोस्त एक छोटी सी सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। मैं आपको नाम लिखने का तरीका बता रहा हूं, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को आईडी के ऊपर नेम नहीं लिखना आता है, तो यहां पर आपने नीचे आना है।
तीन ऑप्शन मिलेंगे योर निकनेम, ईमेल और टेलीग्राम का। आपने मेरे दोस्त ऊपर योर निकनेम पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है जो कि 10 इंचों से कम होना चाहिए। 10 इंचों से कम, लेट्स सपोज मान लीजिए मेरा नाम अहमद है, AHMED अहमद .09009 मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। कोई भी यानी कि नंबर होना चाहिए, कोई भी स्पेशल करेक्टर, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी डॉलर साइन, एनीथिंग करने, यूनिक होना चाहिए। सेव चेंजेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और मेरे दोस्त आपके सामने अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर एक स्टेप बैक आएंगे तो ये ऊपर आईडी के नाम शो हो रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो इतना ही टाइम लगता है मेरे दोस्त अकाउंट क्रिएट करने में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली शॉर्टेज की हर टेक्निकल वीडियो में आपसे ही मुलाकात होती रहे। आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।